मुंबई शहर में 3 ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। मेहुल उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल को देख ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे लग जाते हैं। मेहुल तेजी से आगे भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे रास्ते में जंगली स्नेक्स है और तीसरे रास्ते में आग है। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जंगली स्नेक्स वाला रास्ता ले नहीं सकता, उनसे मेहुल कैसे बचेगा। ज़ॉम्बीज़ को आग से डर लगता है, लेकिन मेहुल आग को कैसे क्रॉस करेगा। मेहुल ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी उठाई और उसमें आग लगा लिया, फिर पेट्रोल वाला रास्ता क्रॉस करके उसमें आग लगा दी। आग देख ज़ॉम्बीज़ वहीं खड़े रह गए और मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बच गया, लेकिन आग बुझते ही ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे वापस लग गए। मेहुल तेजी से आगे दौड़ता है तो उसे एक स्कूल दिखता है, तो वो उसके अंदर घुस जाता है और ज़ॉम्बीज़ को चकमा दे देता है। उसे स्कूल में जगह जगह स्केलेटन्स दिख रहे थे, तभी अचानक एक स्केलेटन उठ जाता है और मेहुल की तरफ आगे आने लगता है। मेहुल को आसपास में 3 चीजें दिखती है, एक चेयर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी और एक माचिस का डब्बा। क्या यूज कर सकता है मेहुल स्केलेटन से लड़ने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी से मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा, स्केलेटन को माचिस से भी आग नहीं लग पाएगी, चेयर यूज करना ही सही रहेगा। मेहुल चेयर उठाता है और जोर उसे स्केलेटन पे मारता है तो स्केलेटन टूट जाता है। उसके टूटते ही रूम में जंगली झाड़ उगने लगते हैं और मेहुल को जकड़ लेते हैं। मेहुल के हाथ हथकड़ी जैसे उन झाड़ों से बंध जाते हैं। मेहुल वहां से भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता नोकीले कैक्टस का है, काफी नोकीले कैक्टस है ये, जो कोई भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जंगली लायन का है, वहां जाते ही लायन उसे कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे रास्ते में बदबूदार पेड़ है जिनकी स्मेल सहना मुश्किल है। कौन सा रास्ता चुनेगा मेहुल, सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेहुल ने पहले नोकीले कैक्टस से अपने हाथों के पेड़ों को काट लिया और फिर तीसरा रास्ता लिया। बदबू से मारेगी नहीं, थोड़ा सांस रोक के मेहुल वहां से निकल जाएगा। ऐसे स्कूल में रहने से बेटर है स्कूल से बाहर निकल जाए। मेहुल स्कूल से बाहर निकल जाता है तो उसे 3 ज़ॉम्बीज वापस मिल जाते हैं, वो मेहुल का पीछा करने लगते हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज से बचता हुआ आगे बढ़ता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बीज से कैसे लड़ा जाए। तभी रास्ते में मेहुल को एक साधु बाबा मिलते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए उसे जादुई बैट लगेगा, लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है ये बैट उसे मिलेगा कहाँ। तो साधु महाराज उसे एक पहेली पूछते हैं, बताओ मेहुल फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या मैं हूँ। मेहुल सोच में पड़ जाता है, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल इसका जवाब दे देता है, गुलाब जामुन। तो साधु मेहुल को एक नक्शा निकाल के देता है और कहता है इस मैप के क्लूज को समझो, ये मैप तुम्हें जादुई बैट तक पहुंचा देगा। क्या आप इस मैप के इन क्लूज को देख के बता सकते हैं मैप मेहुल को कौन से बॉक्स तक लेके जाएगा जहां मेहुल को जादुई बैट मिलेगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। सबसे पहले लिखा हुआ है बड़े ट्री से स्टार्ट करो, तो हम वहां से शुरुआत करेंगे। पहला है S3, मतलब साउथ में 3 कदम नीचे जाना है, फिर वेस्ट में 2, फिर साउथ में 1, वेस्ट में 3, नॉर्थ में 2, वेस्ट में 2 और फिर नॉर्थ में 2। तो मेहुल बैट तक पहुंच जाता है। बॉक्स नंबर 12, मेहुल बैट उठाता है और उस बैट की मदद से ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। मेहुल की बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमा रास्ते से जा रही थी, तभी कोई पीछे से आया और उसे जोरों से धक्का दिया, रमा गिर गई। उसने रमा का बैग उठाया और वहां से भागने लगा। रमा जोरों से चिल्लाने लगी। पास ही में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था, वो वहां पहुंच गया और उसका पीछा करने लगा। वो एक कैफे के अंदर घुस गया, मेहुल भी उसके पीछे पीछे कैफे के अंदर चला गया। कैफे में घुसते से मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है, लेकिन वो कौन था जो पर्स लेके भागा था।
कैफे में चार लोग हैं, क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिसका पीछा कर रहा था उसने पैंट्स पहने हुए थे, ये फीमेल ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है, तो ये तो नहीं है। इस आदमी की कॉफी ठंडी हो गई है, मतलब ये काफी टाइम से यहाँ पे है। अब बचे हैं दो लोग, इसकी कॉफी गर्म है, हो सकता है ये अभी आया हो, लेकिन इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। ऐसा कैसे? मतलब पैनिक में इसने बुक उल्टी पकड़ ली और उसका बुक पे ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, सोहन, राहुल और राम चारों रूममेट्स हैं। चारों की घर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहन सबके लिए खाना बनाता है, सोहन सबके कपड़े धोता और सुखाता है, राहुल मार्केट से किराना लाता है और राम घर की साफ सफाई करता है। एक दिन राहुल मार्केट गया था और वहां उसका मर्डर हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो राहुल को ट्रैक करता हुआ उसके घर तक भी पहुंच जाता है और उसके रूममेट्स को बताता है कि राहुल की डेथ हो गई है। तीनों घबरा जाते हैं। रोहन कहता है, सर मैं तो सबके लिए खाना बना रहा था, ये देखिए मैंने टेबल पे सबके लिए खाना अरेंज भी करके रखा हुआ है। सोहन कहता है, सर मैं तो सबके कपड़े वॉश कर रहा था, ये देखिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। राम कहता है, सर मैं तो साफ सफाई कर रहा था, ये देखिए पीछे कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून रोहन ने किया है, उसे नहीं पता था कि राहुल की डेथ हो गई है। फिर उसने तीन लोगों का खाना ही क्यों बनाया और टेबल पे तीन लोगों के लिए ही प्लेट्स क्यों लगाई? उसे पता था कि राहुल वापस नहीं आने वाला है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर पीछे से आता है और सना का बैग छीन के भाग जाता है। सना उसका चेहरा नहीं देख पाती। पास में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा होता है, वो सना से मिलता है। सना बताती है कि उसके बैग में बहुत सारा कैश था और उसने कुछ फूल लिए थे, वो रखे हुए थे। मेहुल उसके बताए हुए डायरेक्शन में जाता है तो उसे एक कॉर्नर में सना का वॉलेट मिल जाता है। वो वॉलेट खोल के देखता है तो वॉलेट खाली रहता है। मेहुल समझ जाता है। मेहुल को उसी कॉर्नर में तीन बैगर्स दिखते हैं। मेहुल समझ जाता है शायद इन तीनों में से ही एक होगा। मेहुल तीनों के पास जाता है और तीनों को ध्यान से देखता है। क्या आप तीनों को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा बैगर व्हीलचेयर पे है लेकिन उसके व्हीलचेयर के नीचे शूज रखे हुए हैं और थोड़े गंदे हैं, मतलब ये अभी अभी यूज हुए हैं। अब व्हीलचेयर वाले को शू के क्या नीड और शू गंदे कैसे हैं? और उसके शू के ऊपर देखिए फूल भी पड़े हुए हैं जो सना के बैग से मिसिंग है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यही चोर होगा और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात होते ही एक चोर मॉल में घुस जाता है और मॉल से कुछ सामान चुरा लेता है। क्या आप पहले की और बाद की फोटोज को देख के बता सकते हैं चोर ने क्या क्या चुराया है और कितनी चीजें चुराई है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चोर ने टोटल पांच चीजें चुराई है। पहला ये बॉक्स मिसिंग है, दूसरा ये ग्रीन बॉटल मिसिंग है, तीसरा ये बॉटल मिसिंग है, चौथा ये केचप का बॉटल मिसिंग है और पांचवा ये मिल्क बॉटल मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बेड ए की पेशेंट 3 साल से हॉस्पिटल में ही भर्ती है। बेड बी की पेशेंट 5 साल में हॉस्पिटल से भर्ती है और बेड सी की पेशेंट कोरोना के वजह से अभी अभी हॉस्पिटल में आई है। ये तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये बच्चे की माँ कौन होगी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि वो 6 महीने से 1 साल के बीच में होगा।
अब पहली दोनों औरतें तो 3 और 5 साल से हॉस्पिटल में है, तो ये तो माँ हो नहीं सकती, तो बच्चे की माँ सी होगी। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।